आज मैं पनीर का पराठा बनाने वाली हूँ और मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। ये मैंने आधे किलो आटा लिया है और एक प्याज लिया है, आधी चम्मच नमक स्वाद अनुसार लिया है, आधी चम्मच लाल मिर्ची, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच दमालू मसाला, आधी चम्मच जीरा और मिर्च ऑप्शनल है, आप हरी मिर्च डालें चाहे नहीं डालें। और मैंने 100 ग्राम पनीर ली है इसके लिए एक गिलास पानी लेंगे। पानी आप अंदाज से ले सकती हैं, थोड़ा थोड़ा डाल के आप आटा लगाइएगा, नहीं आटा आपका गीला हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा फिर से पानी डाल दिया है। आटा उसको डो हो गया है, अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देती हूँ, जब तक मैं यहाँ पनीर का वो बना रहा हूँ मसाला बना लेती हूँ। ये पनीर है, अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, ये हल्दी पाउडर है, दमालू मसाला है, ये जीरा है, ये नमक स्वाद अनुसार है, ये लाल मिर्ची है, ये हरी मिर्च है। मैंने इसको अच्छे से ऐसे मिला लिया है, आप इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकती हैं। देखिए ये मसाला तैयार हो गया है, मैंने आटा ढक कर रखा था, अब देखिए कितना सॉफ्ट मुलायम हो गया है। और अब मैं पनीर पराठा बनाने जा रही हूँ, लोई तोड़ ली है, सूखा आटा लगा लिया है, थोड़ा सा मैंने बेल लिया है, अब मैंने इसमें स्टफिंग डाल दी है और ऐसे रोल कर लिया है। तवा गरम हो रहा है मेरा, तवा गरम हो जाए तो एक और कर लेती हूँ। दूसरे में भी ऐसी स्टफिंग करके रोल कर लिया है, उसके बाद उसको ऐसे जैसे पहला पराठा बेला था ऐसे इसको बेल लेंगे। गर्म हो गया है, ऐसे कपड़े में पोंछ लिया है, ये रिफाइंड ऑयल है, आप चाहे तो देसी घी में भी बना सकती हैं। हो गया है, इसको पलट लेंगे, रिफाइंड ऑयल लगा दिया है, दूसरी तरफ भी रिफाइंड ऑयल लगा दिया है,
ये देखिए पनीर का पराठा बन गया है, कितना अच्छा और टेस्टी देखने में लग रहेगा। और ये मेरा आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब वो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब, आप मेरे फूडी टेस्टी किचन को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मेरी पहली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और जो बगल में बेल आइकन का बटन है उसको प्लीज दबा दीजिए। और अब आप हमें फेसबुक और ट्विटर में भी आप हमको फॉलो कर सकती हैं। मैं नंदिता अग्रवाल, धन्यवाद।